तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी किस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज नए वीक की शुरुआत, मंडे का दिन और संडे भी ठीक ठाक, तो आप लोगों का भी मुझे लगता है संडे जो छुट्टी थी ठीक ठाक गुजरी होगी। अब आज की कहानी पर आते हैं। हालांकि हाँ, कल संडे दो अच्छे मैच आईपीएल के भी देखने को मिले। पहला दिल्ली और मुंबई। एक वक्त ऐसा लगा था मुंबई आसानी से जीत जाएगी, दिल्ली के सारे विकेट धड़धड़ा कर गिर रहे थे, लेकिन फिर आखिर में जिस तरीके से अक्षर पटेल और बाकी ने जिताया दिल्ली को, वो कमाल का मैच था। दूसरा मैच और भी इंटरेस्टिंग था, पंजाब और आरसीबी का, और 200 से ज़्यादा का स्कोर, और लग रहा था कि अब मुश्किल होगा पंजाब के लिए। लेकिन पंजाब ने इस बार अपनी टीम बदली है, और जिस तरह से फिर बैटिंग हुई, शिखर धवन से लेके फिर मयंक अग्रवाल कैप्टन बने हैं नए, और स्मिथ, इसके अलावा शाहरुख खान, तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग। और एक ओवर पहले ही फिर पंजाब जीत भी गई, आरसीबी हार गई। हालांकि आरसीबी को भी नया कैप्टन मिला, फाफ डुप्लेसिस से आए हैं, विराट कोहली अब तक कैप्टन थे। कोहली ने भी कल अच्छी बैटिंग की थी, डुप्लेसिस ने भी अच्छी बैटिंग की। तो कल दोनों मैच, दोनों के नतीजे थोड़े उलट पुलट थे। और उससे पहले जो ओपनिंग मैच था उसमें तो चेन्नई हारी गई, हालांकि धोनी की 50 थी, लेकिन चेन्नई उस तरीके से बैटिंग नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों इस बार मुझे चेन्नई की टीम बहुत मजबूत लग नहीं रही है। बाकी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, देखिए कुछ नया प्लेयर आता है और अचानक कुछ धमाका कर जाए। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे मैचेस हैं, मौका मिला तो इस बार आईपीएल जो कि अभी तक मुंबई, नवी मुंबई उधर ही है, फिर बाद में पुणे में है, एक आध मैच देखने के लिए मुंबई जाया जा सकता है। तो कहानी का सिलसिला शुरू करूं, उससे पहले आपको फिर एक बार जानकारी दे दूं कि कहानियों के शौकीन हैं आप लोग, कहानियां सुनते हैं तो कुकू एफएम पर भी आप ज़रूर कहानी सुनें। तमाम तरह की कहानियां, अलग अलग दिलचस्प कहानियां, रहस्यमय कहानियां, रोमांचित कहानियां, चाहे वो क्राइम की हो, कॉमेडी की हो, बायोग्राफी हो, क्रिमिनल की हो, इन्वेस्टिगेशन की हो, तो कुकू एफएम पे ये सारी कहानियां भी मिलेंगी। और आपको मौका मिले तो मैं जैसे लगातार कह रहा हूं तो ज़रूर सुनिएगा। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है, आप उसे पढ़ें, देखें, समझें। और कुकू एफएम पर भी आप कहानियां सुन सकते हैं, जैसे अक्सर मैं आपको कहानियां सुनाता हूं। तो अब लौटते हैं आज की कहानी के ऊपर जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। अक्सर हम लोग बातें करते हैं बहुत सारे भूत प्रेत की, लेकिन ये सारी चीज़ें मौत के बाद होती हैं। हम सब ये मानकर चलते हैं कि इंसान, भूत प्रेत, आत्मा, जो भी है, जिन जन्नात, ये सब मौत के बाद, जीते जी नहीं। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि एक शख्स मरने से पहले ऐसे सारे काम करे जो उसे भूत बना दे? भूत वो वाले नहीं, डरने वाला, बल्कि ऐसा भूत जिसकी कोई मौजूदगी के सबूत ही ना हो। मतलब एक इंसान दुनिया में आया, पैदा हुआ, करीब 60 साल की ज़िंदगी जी ली, और जब वो मर रहा है तो मरने से पहले एक एक कर अपने सारे सबूत को मिटाता जा रहा है, ऐसे कि जैसे वो इस दुनिया में आया ही नहीं। अब ऐसे लोगों को भूत ही कहेंगे। तो क्या ये मुमकिन है, एक शख्स मौत से पहले अपने आप को इंसानों की बिरादरी से हटकर एक ऐसा रहस्य बना दे कि उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त दुनिया ढूंढे और मिले ही नहीं? और आज 13 साल हो गए, 13 साल में ये शख्स, इसकी असलियत, ये कौन था, कहाँ का था, किस देश का सिटीजन था, कहाँ पैदा हुआ, इसका असली नाम क्या था, क्या करता था, कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस, जर्नलिस्ट, इंटरनेट पे सर्फिंग वाले जितने शौकीन हैं, वो तमाम लोग 13 सालों से कोशिश में जुटे हुए हैं कि इस शख्स की सच्चाई सामने ले आए। अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हार नहीं मानी है लोगों ने। हो सकता आने वाले वक्त में शायद इस भूत का असली सच सामने आए। कहानी 2009 की है, कहानी जून के महीने की है, कहानी 4 दिनों की है, लेकिन इस 4 दिनों के बाद जो राज सामने आता है वो आज भी एक राज ही है। 12th जून फ्राइडे का दिन था, एक शख्स आयरलैंड या आयरिश बॉर्डर के करीब, एक छोटा सा कोस्टल टाउन है जिसका नाम स्लीगो, वहाँ पहुँचता है बस से। बस से आने के बाद वो एक टैक्सी हायर करता है। स्लीगो एक छोटा सा कोस्टल टाउन था, वहाँ बीच वीच के लिए काफ़ी मशहूर, लोग वीकेंड पे छुट्टियाँ मनाने आते थे। तो एक शख्स ये भी अपना आया, इसके पास एक लैपटॉप टाइप का बैग, एक ब्लैक बैग, 3 सामान थे कुल। ये बस से शाम करीब 6:30 बजे उतरता है स्लीगो में।
इसके बाद वहाँ से एक टैक्सी पकड़ता है, पास में एक होटल ढूंढने जाता है, एक होटल में दाखिल होता है। लेकिन इत्तेफाक से वीकेंड था, सैलानी काफ़ी आए हुए थे, उस होटल में कोई रूम नहीं था, होटल फुल था। वो वहाँ से निकलता है, पास में एक दूसरे होटल में जाता है, नसीब से वहाँ उसको कमरा मिल जाता है। वो एक रूम लेता है और 3 दिन के लिए पे कर देता है कैश। 3 दिन के पैसे रूम के चार्ज देने के बाद रजिस्टर पर वो अपना नाम लिखता है, पीटर बर्गमैन, और एड्रेस जो देता है वो देता है वियना ऑस्ट्रिया का। होटल वाले उससे उसका कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगते, ये बात 2009 की है, अब तो आप किसी भी होटल में बिना आईडी प्रूफ के रह नहीं सकते। तो उस वक्त बड़ा शुरुआत थी ये सब, तो मांगा नहीं उसने, रजिस्टर पे जो भी नाम लिखा एड्रेस लिखा पैसे दे दिए, उसके बाद उसे कमरा दे दिया गया। वो कमरे में जाता है, फ्राइडे का दिन 12 जून, बिल्कुल नॉर्मल। इसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकलता, एक बार सिगरेट पीने के लिए नीचे आता है, फिर वो वापस कमरे में। और फ्राइडे का दिन, फ्राइडे की रात आसानी से गुजर जाती है। अब सेकेंड डे शुरू होता है, सैटरडे 13 जून, 13 जून। 13 जून को सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद पीटर बर्गमैन, जो रजिस्टर पर उसका नाम लिखा है, वो सुबह होटल से बाहर निकलता है, एक टैक्सी पकड़ता है और थोड़ी दूर पर एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पहुँचता है करीब 10:50 पर सुबह। वहाँ से वो 8 स्टैम्प्स खरीदता है, डाक टिकट और कुछ एयरमेल स्टिकर। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है और फिर वापस होटल आ जाता है। होटल में वो खाना खाता है, फिर कमरे में ही रहता है। दिन में 3-4 बार कमरे से वो बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए, जो डिजिग्नेटेड सिगरेट पीने के लिए जगह थी वहाँ सिगरेट पीकर फिर वो कमरे में चला जाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। दूसरी रात बीत जाती है। अब डे 3, 14 जून की तारीख आ जाती है, संडे का दिन था क्योंकि वो फ्राइडे को चेक इन किया था उसने। संडे को वो फिर दोपहर के करीब वो निकलता है रूम से और उसके बाद बस स्टैंड तक जाता है पैदल। वहाँ से एक टैक्सी पकड़ता है और टैक्सी वाले से पूछता है कि कोई ऐसी बीच पे ले चलो जो बड़ा पीसफुल हो, जहाँ शोर शराबा ना हो। टैक्सी वाला खुद ही बताता है कि हम आपको रोजेस पॉइंट बीच पर ले चलते हैं, वहाँ का बड़ा फेमस बीच था। और वो इसलिए भी था कि वो बड़ा अलग था, वहाँ शोर शराबा भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती थी। पीटर बर्गमैन उस टैक्सी पे बैठता है, टैक्सी वाला उसे रोजेस पॉइंट बीच पे ले जाता है और ऐसा लगा था कि वो बीच पे घूमने के लिए गया, लेकिन बीच पे वो टैक्सी रुका हुआ है और वो उतरता है, चारों तरफ एक नज़र दौड़ाता है और फिर वापस टैक्सी में बैठ जाता है, कहता वापस होटल चलो। टैक्सी वाले को भी अजीब लगता है कि इतनी दूर से बीच पे घूमने आया, लेकिन 2-3 मिनट में इसने बस बीच सरसरी निगाहों से देखा और वापस बैठ गया। खैर, वो उसे वापस होटल ले आता है। होटल आने के बाद वो थोड़ी देर होटल में रहता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर वापस होटल आता है। तीसरी रात नॉर्मल इसी तरह बीत जाती है। अब चौथा दिन आता है, 3 दिन का उसने पेशगी किराया दिया था और मंडे को से यानी 15 जून को होटल खाली करना था। मंडे को वो सुबह आता है होटल में रिसेप्शन पर, उसका कहता है, चेकआउट का टाइम होता है आमतौर पर 12 बजे, तो कहता है कि अगर मैं थोड़ा 1-2 घंटा डिले कर दूं तो कोई इशू तो नहीं है। रिसेप्शन वाले कहते हैं कोई इशू नहीं है, क्योंकि मंडे आ गया, टूरिस्ट सब लौट रहे हैं, होटल वैसे भी खाली हो रहा है। तो एक पर्पल कलर का पॉलिथीन का बैग लेकर होटल से बाहर निकल जाता है, करीब 1-1.5 घंटे बाद दोबारा आता है। फिर इसके बाद अपना सामान उठाता है, ब्लैक कलर का बैग, होटल में रिसेप्शन पे चाबी देता है और वहाँ से निकल जाता है दोपहर के करीब 1 बजे। निकलने के बाद थोड़ी दूर पे एक बस स्टॉप है, वो वहाँ पे जाता है। बस स्टॉप पे जाने के बाद उसी बस स्टॉप के पास खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, वो खाने पीने का कुछ ऑर्डर देता है और फिर जेब से एक पर्ची निकालता है, उस पर कुछ लिखता है, पढ़ता है और फिर उस पर्ची को फाड़ कर वहीं एक डस्टबिन उसमें फेंक देता है। इसके बाद वो एक बस पकड़ता है, जिस बस का जो रूट था वो रोजेस पॉइंट उसी बीच पे, जहाँ एक दिन पहले उसने टैक्सी पे वो गया था और 2 मिनट में वापस आ गया था। दोपहर 2:20 पे अब वो बस से रोजेस पॉइंट पहुंच जाता है। रोजेस पॉइंट पर उसे करीब 16 लोग देखते हैं जो याद रखते हैं उसे।
और उन लोगों के याद रखने की वजह थी। एक तो ये शख्स, आमतौर पे बीच पे लोग जो जाते हैं उस तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये कोट जैकेट और इस तरह के, उन्हें लगा कि ये नहाने आया तो ऐसे कपड़ों में क्यों आया, तो कुछ अलग अलग वजह थी। कुछ ने देखा कि वो शाम हो गई, डूबते हुए सूरज को देख रहा, बड़ा उदास है। कुछ ने हाय हेलो किया, उसने सिर्फ सर झुकाया। तो उसकी कुछ अजीब सी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों ने उसे याद रखा। खैर, 15 जून की शाम भी बीत जाती है, रात बीत जाती है, अब आती है 16 जून की सुबह। 16 जून की सुबह 6 बजे एक बाप और बेटा इसी बीच के किनारे जॉगिंग के लिए निकले। जब जॉगिंग के लिए जाते हैं, वो वहीं पे लोकल रहने वाले थे, अक्सर वो जॉग किया करते थे, तो उन्होंने देखा कि बीच के किनारे एक शख्स औंधे मुंह पड़ा है। पास गए तो देखा कि एक शख्स है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है, मर चुका है, लाश पड़ी। ये इसी पीटर बर्गमैन की लाश पड़ी थी। पुलिस को खबर की गई, पुलिस वहां पहुंचती है। अब वहाँ पे पुलिस जो सारी चीज़ें देखती है, उसके कुछ कपड़े जो उसके शरीर पे थे, बड़ा अजीब लगता है, उसके जितने भी टैग थे, लेबल थे, वो सारे कैंची से कटे हुए थे। उसके आसपास ना कोई वॉलेट था, ना कोई पैसे थे जेब में, ना कोई आईडी कार्ड था, ना उसकी पहचान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ थी। एकदम ज़ीरो आइडेंटिफिकेशन। पुलिस जो है लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी तक मामला यही था कि ये बहुत एक शख्स की मौत हो गई है, शायद डूबने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगभग यही बताती है कि शायद इस शख्स की डूबने से मौत हुई है। लेकिन यहाँ से इस शख्स की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कहानी अचानक रहस्यमयी तौर पर सामने आनी शुरू होती है। अब एक टूरिस्ट प्लेस पर एक शख्स की मौत हुई है, पुलिस को उसके घर तक खबर देनी है, पता करना कौन है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। उसके ज़रिए फिर पता चलता है वहाँ पे लोकल की ये इस होटल में 3 दिन से ठहरा हुआ था। पुलिस की टीम उस होटल में पहुँचती है कि वहाँ इसके एड्रेस के ज़रिए इसके फैमिली तक कांटेक्ट करेंगे। वहाँ पहुँचती है, वहाँ पे इसका पहली बार पुलिस को नाम पता चलता है, पीटर बर्गमैन, वियना ऑस्ट्रिया का एड्रेस। पुलिस वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टेक्ट करती है तो पता चलता है कि जो एड्रेस दिया गया है, जो नंबर लिखे हैं घर के, वह खाली प्लॉट है, कोई घर नहीं है। पीटर बर्गमैन का कोई नाम का आदमी यहाँ नहीं रहता। ब्रिटेन आयरलैंड में इस नाम, इस हुलिया, इस का जो डेटाबेस था, कोई नहीं है। अब पुलिस को बड़ी अजीब बात लगी कि अब इसकी आइडेंटिटी नहीं हो रही कि कौन है ये शख्स। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को और खंगालना शुरू किया। अब 3 दिन जब तक वो इस स्लिगो कोस्टल शहर में आया था, बस से लेकर होटल तक और अगले 3 दिन तक उसने क्या किया, पुलिस ने हर उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। और इस सीसीटीवी फुटेज ने बड़ी अजीब अजीब चीज़ें उगली। बड़ा ही नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस, तमीज़ से, बाल करीने से, सब कुछ कपड़े पहने हुए ये शख्स होटल में जब आता है, 3 बैग थे। इसके बाद ये उस दिन पहले दिन होटल से एक बार निकलता है, सिगरेट पीता है। इसके हाथ में पर्पल कलर का एक पॉलीथीन का बैग था, वो बैग भरा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा दिखाता है कि वो गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो लौटता है, उसका हाथ खाली है, उसके हाथ में कोई बैग नहीं। नेक्स्ट डे वो पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर इसके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग। अब सवाल ये कि पहले दिन गया, पर्पल कलर का फुल बैग था, वापस आया खाली था। अगले दिन फिर एक पर्पल कलर का पॉलीथीन का बैग है, ये बाहर जाता है, वापस आता है, खाली है, हाथ में बैग नहीं है। फिर तीसरी बार ऐसे ही नहीं निकलता है होटल से, फिर पर्पल कलर का बैग है, बाहर जाता है, वापस आता है, बैग नहीं है। जब जब ये होटल से निकला, वो बैग भरा हुआ था, उसमें क्या सामान था नहीं मालूम, लेकिन जब जब ये वापस आता है, वो खाली होता है, हाथ में इसके बैग ही नहीं होता। 1, 2, 3, 4 बार पुलिस ने लगातार देखे सीसीटीवी फुटेज, 3 दिनों में देखा तो कुल 13 बार ये कमरे से पर्पल कलर के बैग को लेकर बाहर निकला, और 13 के 13 बार वापस खाली आता है, बैग नहीं थे, जबकि पॉलीथीन बैग वही था जो ये लेकर निकलता था। फिर पुलिस ने जूम करके सारी चीज़ें देखी तो ये आइडिया हुआ कि जो प्लास्टिक का बैग लेकर ये जाता था कमरे से, तो ये सामान भर भर कर ले जाता था, वापसी में उस सामान को या तो कहीं डंप करता था, और फिर उस बैग, पॉलीथीन बैग को लपेट कर
पॉकेट में रख लेता था, इसलिए दोनों हाथ इसके खाली दिखते थे। अब सवाल ये था कि आखिर वो ऐसी क्या चीज़ें थी जो ये 3 दिन तक होटल से निकलता और ले जाता और फेंकता और पता ही नहीं। पुलिस ने सारे CCTV फुटेज खंगाले, जहाँ जहाँ पर ये गया, जहाँ जहाँ पर ये नॉर्मल था कैमरे में कैप्चर हुआ, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेस्तरां हो, चाहे वो टैक्सी स्टैंड हो, या जहाँ पर डस्टबिन हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब जब ये पर्पल कलर का प्लास्टिक का बैग लेकर गया, जहाँ तक कैमरे में CCTV में ये इसको कैद किया जा सकता था किया गया, तब तक इसके हाथ में वो बैग है। लेकिन उसके बाद अचानक वो उन इलाकों से गुजरता जहाँ पे CCTV कैमरा था ही नहीं। अब इसे अंदाज़ा ये लगाया गया कि पीटर बर्गमैन को मालूम था कि कैमरा उसे कहाँ कहाँ कैच कर सकता है, कहाँ कहाँ पकड़ सकता है। दो चीज़ें थी, एक किसी भी CCTV कैमरे में उसने अपनी पहचान को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की, न चेहरा छुपाने की, हर कैमरे में आया। लेकिन दूसरा, जब जब उस प्लास्टिक के बैग को ठिकाने लगाने, डंप करने की बात आती, वो कैमरे से गायब हो जाता। इसका मतलब उसे पता था कि कहाँ कहाँ कैमरे CCTV के नहीं हैं, और वो उन उन जगहों पर जाकर उन पर्पल कलर के प्लास्टिक बैग में जो सामान होता था उसे डंप करता था। अब पुलिस ने ऐसे सारी चीज़ों को टटोलना, ऐसे सारे डस्टबिन को टटोलना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। इसी दौरान में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाली चीज़ थी, मौत लगभग दम घुटने पानी में डूबने से हुई, हालांकि 100% नहीं कहा गया, लेकिन जब उसकी बाकी चीज़ों की रिपोर्ट सामने आई तो और भी चौंकाने वाली थी। पता चला कि ये शख्स, इसको ऑलरेडी दिल का दौरा पड़ चुका है, इसके अलावा इसको बोन ट्यूमर था, इसके अलावा इसको प्रोस्टेट कैंसर था एडवांस स्टेज का, एक किडनी गायब थी। अब इतनी सारी बीमारी, प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेज, आपको बोन ट्यूमर, एक किडनी गायब, हार्ट अटैक हो चुका, लेकिन कमाल ये भी था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ये नहीं आया कि ये कोई मेडिसिन ले रहा था। वक्त ज़माने से कोई मेडिसिन नहीं ले रहा था, कोई प्रिस्क्रिप्शन तो खैर मिलने का सवाल ही नहीं था, लेकिन डॉक्टरों का मानना था कि इसको जो जो बीमारियां थी उससे इसमें काफ़ी इसको पेन होती होगी, लेकिन ये पेन किलर भी नहीं लेता था। अब ऐसा क्यों कर रहा था? तो ये उसकी जो बॉडी की रिपोर्ट आई वो और भी चौंकाने वाली थी। इधर जो सारे पर्पल कलर के प्लास्टिक बैग से वो डंप कर रहा था, वो राज पता नहीं चला। इसने जो स्टैंप लिए और मेल किए, वो ख़त कहाँ गया, कैसे पहुँचा, ये पूरी जांच हो गई, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो था कहाँ। अब पुलिस सारे तरफ से ढूंढती रही, अखबारों में फ़ोटो दिए गए, तस्वीर दी गई, सारी जगह, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोप हो गया। कुछ लोगों ने कहा, होटल वालों ने, कि इसका एक्सेंट जो था वो जर्मन एक्सेंट था, जर्मन में कहा गया, लेकिन पीटर बर्गमैन नाम के शख्स की कोई भी पहचान किसी भी जगह से कंफर्म नहीं हुई। इस दौरान में 3 बड़े सीनियर पुलिस अफसर बदले गए, जिनको चैलेंज था कि इस केस को सॉल्व करें, कोशिश करते रहे, नहीं पता चला। बाद में कुछ जर्नलिस्ट आए, उन्होंने कहा कि एक मिसिंग पर्सन की एक खोज की जाए। कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे थे जो वैसे उसी दिन, जैसे अगर वो फ्राइडे को बस से उतरा तो वो फ्राइडे को पहुँचे, इसलिए वो उस होटल में रुका, उसी होटल में जाकर रुके, उसी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ के ढूंढ के उसी बीच पर गए, उन्हीं उन्हीं रास्तों से गुजरे कि शायद कुछ क्लू मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 13 साल बीत गए, 2022 आ गया है, आज भी ये केस, पुलिस, कुछ जर्नलिस्ट अब भी लगे हुए हैं, और कुछ इंटरनेट पे इस स्टोरीज को पढ़ने के बाद जो इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन पीटर बर्गमैन कौन था, ये एक राज बना हुआ है। अब उसकी मौत को लेके या उसकी आइडेंटिटी को लेके कई थ्योरी चली। एक कहा गया कि ये किसी देश का शायद स्पाई था, जासूस, और यहाँ पर आकर उसे बीमारी भी थी तो सुकून की मौत मरने के लिए इस जगह के बीच को चुना और मर गया। कुछ का कहना था कि उसका ताल्लुक किसी डॉन माफिया इन लोगों से था और शायद उसकी वजह से मारा गया। कुछ लोगों का कहना था कि उसने सुसाइड किया है और जानबूझ के उसने चुना था उस जगह को।
लेकिन ये सारी थ्योरी एक जगह पर आकर ख़त्म हो जाती है कि अगर उसने सुसाइड किया और मरने जा रहा है, माफियाओं के साथ ताल्लुक़ है, तो उसने अपनी हर आइडेंटिटी को बर्बाद क्यों किया? उन 13 बार में जो प्लास्टिक पर्पल कलर के बैग में वो लेकर सामान गया, डंप किया, उनमें क्या था? जो उसने स्टैम्प पेपर खरीदे पोस्ट ऑफिस से, जो पोस्ट किया, वो कहाँ गए? किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी यही मिस्ट्री कि एक आदमी मौत से पहले अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान से जुड़ी हुई हर चीज़ को मिटाता क्यों जा रहा है? उसकी DNA और बाकी चीज़ों के सैंपल आज भी वहाँ के हॉस्पिटल में प्रिजर्व करके रखे गए हैं, इसलिए कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हो सकता है उसका DNA किसी ऐसे शख्स से मैच कर जाए जिसकी फैमिली ट्री के ढूंढते हुए इस शख्स तक, इस शख्स की असलियत तक, पीटर बर्गमैन तक पहुंचा जा सके, उसकी असली पहचान क्या थी निकाली जा सके। हालांकि ये जाहिर सी बात है कि इसका नाम भी नकली होगा, पीटर बर्गमैन, क्योंकि जब असलियत कुछ नहीं पता तो फिर नाम भी कैसे वो असली बता सकता है। तो उम्मीद यही है कि टेक्नोलॉजी, DNA और ये सारी चीज़ें जो है इस शख्स की सच्चाई सामने लाए। लेकिन 13 साल तो हो गए, ये शख्स कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम था, क्या करता था, क्यों यहाँ आया, कैसे मौत हुई, उन पर्पल कलर के प्लास्टिक बैग में ये क्या कुछ ले जाकर डंप करता था, ये सारी चीज़ें, ये सारे राज आज भी एक राज हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने मरने से पहले ही अपने आप को एक तरह से भूत बना दिया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। अब कहानी ख़त्म तो सिलसिला शुरू। आज धनंजय चेट्टी जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धनंजय, और ये बस्तर से हैं। इसके अलावा उर्वशी रोहिला हैं और इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे उर्वशी जी। और पीयूष ने भेजा है, इनकी पत्नी है हरिद्वार से। फैसल लांडिया महुल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फैसल। और निहाल कुरैशी ने भेजा है। इसके अलावा दीप कंवर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीप। अमित कुमार ने भेजा है। इसके अलावा दीपक मेवानी, हैप्पी बर्थडे। प्रदीप सिंह ने भेजा है। विक्रम श्रेष्ठ, हैप्पी बर्थडे विक्रम। और सबीना ने भेजा है, ये उनके पति हैं USA से। इसके अलावा जसनीत उर्फ यश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जसनीत। और आज़म हुसैन ने भेजा है कोलकाता से। उपासना, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि उपासना दार्जिलिंग से ही है, तो हैप्पी बर्थडे उपासना। और स्टीव ने भेजा है सिक्किम से, इनके दोस्त हैं। इसके अलावा ब्लू पेट्रो के माँ और बाप, यानी मम्मी पापा, माता पिता, इनकी एनिवर्सरी है, तो दोनों को बधाई बहुत बहुत। ये उड़ीसा से हैं ब्लू, लेकिन अभी कैलिफोर्निया में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सविता डोलिया और प्रवीण डोलिया, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बधाई। कैथल हरियाणा से हैं ये। वत्सल देसाई हैं, प्रशांत कुमार हैं, राहुल पांडे हैं, राहुल यादव हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की दोनों ने। प्रियंका पटेल जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, गुजरात से हैं ये। प्रदीप कुमार हैं सिरसा से। उर्मी सिंह हैं, आकाश राज है। इसके अलावा सौरभ राउत हैं, ऋषिकेश मुलिक हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है। प्रियंका पांडे जी हैं मिशिगन US से, और आजमगढ़ की स्टोरी सुनना चाहती हैं। इन्होंने एक मेल लिखा है आवाज़ को लेकर, थैंक यू प्रियंका जी। इसके अलावा सुचिता पारिक जी हैं, शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और जो भी फरमाइश है कहानी की वो जल्द पूरी होगी। तो आज कहानी में इतना ही है, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।